محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله واللي عجز अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल और सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा है। एंड हेयर आई एम अगेन विद वन मोर रमज़ान व्लॉग। एंड आज हम बनाएंगे इफ्तार, और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर लें और वो है ये सूरह की रेसिटेशन साथ में लगा लें। और मैं लगा रही हूँ सूरह रहमान, और ये मेरे चैनल पे भी मौजूद है, तो यू कैन गो एंड लिसन टू दिस ब्यूटीफुल रेसिटेशन। बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है, तो ये मेरे चैनल पे मौजूद है, आप भी जाके यहाँ पे इसकी रेसिटेशन सुन सकते हैं। एंड हियर आई एम इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। बंद करिए, बंद करिए। ओके, तो नाउ आई एम एंटरिंग द किचन। अच्छा जी, आज रहेगी बहुत ही सिंपल सी इफ्तारी रहेगी, क्योंकि थोड़ी तबीयत की थोड़ी सही नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बस अल्लाह ताला अपना रहम करें। तो आज हम लोग बना रहे हैं पास्ता, एंड हियर वी हैव गॉट चेदर चीज़ विद सम मिनी सॉसेजेस। एंड ये सॉसेजेस मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने बोला पहले इसको मैं यूज़ कर लूँ, तो ये मिनी सॉसेजेस हैं। एंड हेयर आई एम बॉयलिंग दी पास्ता, और ये हो रहा है यहाँ पे बॉयल। वी हैव गॉट दिस फ्रेश क्रीम फ्रॉम मिल्क पैक, ये भी यूज़ करेंगे हम। एंड अच्छा, ये बॉयल करते वक्त थोड़ा सा तेल डाल लें, और मैंने नमक भी इसमें डाल दिया है। एंड आप लोग बताएं आप लोग का रमज़ान कैसा जा रहा है, आप लोग ने क्या क्या ट्राई किया है अभी तक इफ्तारी में, और कैसा चल रहा है 2022 का ये रमज़ान। और साथ में अब हम कर लेते हैं ये सॉसेजेस, इनकी कटिंग कर लेते हैं। और अच्छा, आज कुछ भी बनाने का मूड तो नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी आई डिसाइडेड कि नहीं, घर का थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे भी होते हैं और उनको बाहर का इतना कुछ पसंद आता नहीं है, और खाते खा भी नहीं सकते हैं ज़ाहिर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पास्ता बनाते हैं लाइट सा। ओके, डन विद दी सॉसेजेस, उनको कट करके मैंने फ्राई करने के लिए भी चढ़ा दी हैं, और अब हम थोड़ा असेंबल कर लें चीज़ों को। बॉयल हो गई हैं, पास्ता भी बॉयल हो गया है ऑलमोस्ट, एंड अब चीज़ का कर लेते हैं, तो इसको भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ऑफ कोर्स। Okay, done with the cheese, and here we have got one more ingredient, and these are jalapenos. And थोड़ा डालेंगे hot pepper for some little spice, लेकिन ज़्यादा नहीं of course. अच्छा, pasta हो गया है, fry भी हो गए हैं sausages, fresh cream भी cut कर लेते हैं, और अब सब कुछ assemble करने का time आ गया है। अच्छा, आप लोग बताएं आप लोग व्हाइट सॉस पास्ते की क्या रेसिपी यूज़ करते हैं, एंड हाउ यू गाइस लाइक इट। मुझे तो व्हाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा लगता है, और सॉसी बहुत ज़्यादा हो तो मैं उसी तरह का बनाती हूँ। अच्छा, नाउ लेट्स पुट ऑन सम नॉट अ लॉट ऑफ फ्रेश क्रीम इन इट, क्योंकि सॉसी करना है ऑफ कोर्स। तो अब पास्ता जो हमने बॉयल कर लिया था, अच्छा मैंने पास्ते का जो है ना पानी वो ड्रेन आउट कर दिया, उस पानी को ही उसमें रहने दिया है, ताकि ये थोड़ा सॉसी हो और थोड़ा सा ना जूसी सा हो, तो उस पानी को ड्रेन आउट नहीं किया मैंने बॉयल करने के बाद, उस पानी में उस पास्ता को रहने दिया, और अब उसमें फ्रेश क्रीम डाल दी है। एंड नाउ आई एम मिक्सिंग इट। सही है, इसको सही से मिक्स करना है, और अगर और डालनी पड़े तो और डालें, ताकि उसका ना आपको क्वान्टिटी पता चले कि कितनी फ्रेश क्रीम होनी चाहिए। तो पूरा पास्ता का पैकेट था ऑफकोर्स, तो पूरी फ्रेश क्रीम लग जाएगी मेरी। एंड ये देखें, ये एकदम ज़्यादा थिक नहीं हो गया है बिल्कुल,
थोड़ा इसके अंदर पानी है, तो ये आराम से जो है अलग अलग भी हैं और बहुत ज़्यादा क्रीमी और जूसी भी बनेंगे, आप देखिएगा। अच्छा, नाउ वी आर एडिंग द चीज़। सही है, सारी चीज़ इसमें डाल देंगे हम अभी इसमें, और चीज़ी भी साथ में हो जाएगा। एंड ये देखें आप, और उसके बाद चीज़ डालने के बाद इसको सही से मिक्स कर लें। ये देखें आप, ये कितना जूसी सा, कितना क्रीमी सा लग रहा है, यमी सा। एंड मैंने पहली बार जो है पास्ता का पानी ड्रेन आउट नहीं किया, इट वाज माय फर्स्ट टाइम डूइंग दिस। तो लेट्स सी कैसा होता है। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और नाउ वी आर पुटिंग दी फ्राइड सॉसेजेस इन इट। सही है, सॉसेजेस भी डाल रहे हैं हम। ओके जी, सो डन विद इट। और अब इसको भी सही से मिक्स कर लेते हैं ऑफ कोर्स। ओके जी, सो सॉसेजेस डाल के मैं सही से मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद अब इसमें और इंग्रेडिएंट्स डालने का टाइम आ गया है। बट बिफोर दैट थोड़ा फ्लेम लो कर इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर। वाइट पेपर डालें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये वाइट पेपर हो गया है, तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं सही से। और अच्छा, मैंने पहले भी एक मैक्रोनी की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर करी है, मैं लिंक वो भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और एंड इट वाज अ लिटिल स्पाइसी टाइप मैक्रोनी। और हम ये डाल रहे हैं नमक। सही है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऑफ कोर्स, थोड़ा नमक डाला है। एंड व्हाट एल्स, what else, what else, we are putting some black paper, of course. सही है, black paper भी डाल दिया है। सब कुछ अपने taste के according डालें। अगर आपको और भी कुछ add करना है like soya sauce भी add कर सकते हैं, but I'm not adding it क्योंकि मुझे ज़रा white sauce pasta चाहिए था with light flavor, so इसलिए मैं soya sauce आज नहीं डालूँगी। Now it's time for some jalapenos, तो हम थोड़े jalapenos डाल दें for some hot taste। एंड इसका थोड़ा पानी डाल दिया है, बहुत ही मज़े का होता है अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो। तो उसके बाद इसको सही से मिक्स कर रहे हैं, एंड वी आर डन विद इट। एंड यू कैन सी हाउ यमी इट लुक्स, बहुत ही मज़े की लग रही है, और आई कांट वेट टू ट्राई दिस आउट। एंड नाउ इट्स टाइम टू डिश इट आउट, और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, तो मैक्रोनी की जो पहली रेसिपी जो मैं आपको बता रही हूँ वो थोड़ी स्पाइसी सी है, ये थोड़ी लाइट सी है, तो आप दोनों रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपने ये रेसिपीज़ ट्राई की कि आपको कैसी लगी। और ये डिश आउट हो गए हैं, और ये देखें आप इसका थोड़ा क्लोज लुक, ये कितने यम्मी से लग रहा है, आई कांट वेट टू ट्राई दिस आउट। अच्छा जी, तो ये तो मैंने बनाया है, साथ में हस्बैंड गए थे नमाज़ पढ़ने या सिर की, तो वो साथ में जो है थोड़े फ्राइड आइटम्स भी ले आए हैं। वैसे तो आज मुझे थोड़ी लाइट सी अफ्तारी रखनी थी, और फ्राइड आइटम्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और फ्राइड आइटम्स खा के थोड़ी तबीयत बहुत हैवी सी हो रही है। लेकिन हस्बैंड ने बोला है कि नहीं, फ्राइड आइटम्स के बगैर इफ्तारी नहीं हो सकती है, तो बस वो फिर ये रोल ले आए हैं, और साथ में चिकन स्टिक्स हैं, और ये पेटीज हैं, चिकन पेटीज हैं, और साथ में ये हमारे पास समोसे हैं, इनमें मलाई समोसा है, एंड आई गेट टिक्का समोसा है, जो हस्बैंड ने बताया वो है, टेस्ट करके पता चलेगा कैसे हैं। ओके जी, तो ये जो है हस्बैंड ने बोले हैं कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, ये भी डिश आउट हो गए हैं, और साथ में इनके साथ ज़रा आए हैं कुछ चटपटे से रायते, तो ये भी निकाल लेते हैं प्याले में। एंड ये है हमारी इफ्तारी आज की। तो आप बताएं आप लोग ने इफ्तार में क्या खाया, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और एंड अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी इफ्तार के बाद भी कुछ आने वाला है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। Hey guys, I'm back again after iftari. Iftar को हुए बहुत टाइम हो गया है क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। हम लोग आए थे थोड़ा बाहर सहरी का सामान लेने, लेकिन फिर हमने ये नया पिज़्ज़ा ब्रांड ओपन हुए हुए देखा है, हमारे घर के करीब ओपन हुआ है, बिल्कुल नया है, तो हमने सोचा कि इसका पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। इसका स्मॉल पिज़्ज़ा विद 345 ml ड्रिंक की डील थी, ओनली इन 250 rupees, येस, और पिज़्ज़ा बडीज़ इसका नाम है, तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। वैसे तो लुक में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट टाइम।